मऊ के डुमराव गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति जमीनी विवाद में पाटीदारों से परेशान होकर और न्याय न मिलने पर पानी की टंकी पर चढ़ गया। पानी की टंकी पर व्यक्ति के चढ़ने की जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में लोग मौके पर जुट गए और उन्होंने पीड़ित व्यक्ति को उतारने को कहा, लेकिन वो नहीं माना। वहीं मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और पीड़ित को समझाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह पीड़ित को समझा बुझा कर नीचे उतारा गया, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली। डुमराव गांव का एक गोविंद नामक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उसका अपने पटीदार से जमीन का कुछ विवाद है, तो उसी को लेकर वो पानी की टंकी पे चढ़ गया था। सूचना आई है पुलिस की, पुलिस तत्परतापूर्वक तुरंत मौके पर पहुंच गई, उसको समझा के उतार दिया, उसकी समस्या प्रार्थना पत्र लेके नियमानुसार निराकरण। वहीं पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर पाटीदारों ने कब्जा कर लिया है और आए दिन मारने पीटने की धमकी भी दी जाती है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो पानी की टंकी पर चढ़ गया। अरे खुखा मार ले, खेत भी हमारे, आप लोग जबरदस्ती हमको मार पीट करके लोग वहाँ कब्जा करते हैं, हमको हमेशा दरगाते हैं। लड़की बहन बेटियाँ जो कि हमको जो कि रोह रखत रोज साझे सवेरे जो कि सरकारी मशीन पर चढ़ गए, तू पर अंकित कहाँ चढ़ गए थे सर? ये कि हम जाने देते साहब का लड़का दुश्मन रोज गोली दिखावत है साहब मारे खाते साहब रोज, तब दुश्मन के हाथ ना हो इसे हम सोचने साहब अपने जान दे दे सला के नहीं रह सला के चढ़ के तब चढ़ के मिली तो के नया चढ़ के ऊपर न्याय मिलेगा आपको। अब साहब अब हमारे बीच में जाने देते सला न्याय मिलो चाहे न मिलो साहब हम जाने देते साहब। फिलहाल पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।